पीछे जो देख रहे हैं ये अजमान पैलेस है, होटल है, जो कि यहाँ अजमान का बहुत ही फेमस, बहुत ही मशहूर है। तो और यहाँ का व्यू दिखाता हूँ जो कि काफ़ी खूबसूरत है, रिहायशी एरिया है। और यहाँ पर ज़्यादातर मैं देख रहा हूँ कि अजनबी ही यहाँ पर रहते हैं ना, पूरा मुंबई वाला माहौल, एक कल्चर यहाँ पर मुझे दिख रहा है, जो कि बहुत ही खूबसूरत नज़ारा यहाँ का। तो वीडियो में बने रहे, चलिए आप लोगों को दिखाते हैं, सही है, लगे रहो। अजमान पैलेस जो कि बहुत ही खूबसूरत बनाया हुआ, एकदम एक हवेली, एक महल की तरह दिख रहा है ये। और उधर सामने आप देखेंगे तो उधर बीच है, और यहाँ पर एक शॉप है किसी की, देखिए उद्घाटन की तैयारी हो रही है। तो यहाँ का ये खूबसूरत सा व्यू, काफ़ी खूबसूरत खूबसूरत बिल्डिंग है, देखिए ये जो गांव है ना, यहाँ की आबादी, अंदर का कुछ व्यू आप लोगों को दिखाते हैं, दिखाते हुए फिर बीच पर लेकर के चलते हैं। ये पूरी रिहायशी एरिया है मेरे दोस्तों, और यहीं पे ये जो बड़ी वाली बिल्डिंग देख रहे हैं ना, यहाँ पे मसाज पार्लर है, बॉडी पार्लर, मतलब बॉडी मसाज पार्लर है। तो आप चाहें तो वहाँ पर जा सकते हैं मसाज करने के लिए, नहीं चाहें नहीं जा सकते हैं। जाने वाले जाते हैं मेरे भाई, 100 दिरहम, 50 दिरहम, 150 दिरहम, यानी किससे मसाज कराना है सब कुछ यहाँ पर है। तो मेरे भाई, बहरहाल ये सब तो मैं लाइक नहीं करता। पर्सनली मसाज जो होता है ना, वो भी उसके अंदर होता है, दोनों मसाज होता है, बॉडी मसाज भी होता है, पर्सनली मसाज भी होता है। तो जो आप करवाना चाहें करवा सकते हैं उसके अंदर मेरे भाई। तो भाई इसीलिए तो जाना जाता है ना, क्योंकि फ्री कंट्री है, सब कुछ यहाँ पर उपलब्ध है, दारू दवा मसाज, ठीक है। ये देखिए काफ़ी खूबसूरत, ये सब देख रहे हैं ना, ये सब पूरी रिहायशी एरिया है। और यहाँ पर ये बिल्डिंगें देखिए जो कि काफ़ी खूबसूरत खूबसूरत है माशाल्लाह। और ये पूरी स्पेस है देखिए पार्किंग का, और ये बिल्डिंग देखिए, ये सामने जो देख रहे हैं ना, इसको देखने के बाद मुझे मुंबई की याद आ गई। जैसे विंडो में देखिए कपड़ा फैलाए हुए हैं ना सूखने के लिए, तो एकदम ऐसे ही मुंबई में पूरी ग्रिल जो है एकदम भरी रहती है, जितनी भी खिड़की होती है। तो ये रिहायशी एरिया है, और ये बिल्डिंगों की ये पार्किंग है। और गाड़ियाँ देखिए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा, एक से एक गाड़ी मिल रही है देखने के लिए, काफ़ी ज़बरदस्त। और इस एरिए में इंडियन, पाकिस्तानी, बंगाली जितने भी हैं सब मिल जाएंगे, इमराती जो यहाँ के लोकल होते हैं ना, यहाँ पर कोई भी आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इमराती लोग सुकून चाहते हैं, शांति चाहते हैं, वो आउटसाइड में रहना पसंद करते हैं, और उनका अपना अपना पर्सनली फिल्ला होता है, वो ज़्यादातर फिल्ले में रहते हैं, जो कि काफ़ी हाई फाई लेवल का फिल्ला होता है। तो इंशाल्लाह मैं वहाँ पर भी चलूँगा, और वहाँ के जो यहाँ के इमराती लोकल है ना, उनके गांव की भी वीडियो मैं बना करके डालूँगा, जो कि सुनने में आता है कि बहुत खूबसूरत ये लोग बनाते हैं। देख रहे हैं यहाँ का व्यू, एक नंबर है यार, एकदम पूरा। ये प्राइवेट जो यहाँ की टैक्सियाँ होती हैं, ये टैक्सी है। और ये जो बिल्डिंगें हैं ना, इसी के बैक साइड में यहाँ पर बीच है, तभी फ़िलहाल वहाँ पर मैं चल रहा था, तो मैंने देखा, सोचा यार इस एरिया की वीडियो बनाते हुए चलूँ। और ये अजमान इस्टेट का ये एरिया है, और ये देखिए सारा उमर बिन अल ख़ताब, देख रहे हैं ना, इस रोड का नाम है सारा बिन अल ख़ताब। पूरी देखिए जो कि काफ़ी ज़बरदस्त, एकदम पूरा मुंबई वाली एकदम फीलिंग आ रही है। देख लीजिए मेरे भाई, दुबई की एक एक गली आप लोगों को दिखाएंगे। अब तक आप लोगों ने सिर्फ समुंदर और बुर्ज खलीफा, फव्वारा, यही सब देखा होगा वीडियो में, लेकिन ऐसी वीडियो अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा होगा। लेकिन इस चैनल पे ना आपको दुबई शहर, सऊदी शहर, सऊदी के गांव, दुबई के गांव, पूरी एक एक चीज़ आपको देखने को मिलेगी। और यहाँ पर देखिए बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, ये सब अजनबी के बच्चे हैं, कोई अफगानी के, कोई पाकिस्तानी के, कोई इंडियन के। बहुत ही प्यारा, लेकिन एक चीज़ की है मेरे भाई, ये रोड देखिए, एक भी कचरा नहीं दिख रहा। और ये बिल्डिंग देखिए यार, बहुत ही ऊंची है, देख रहे हैं ना कितनी ऊंची बिल्डिंग है। ऐसे ही ऊंची ऊंची यहाँ पर बिल्डिंग है मेरे भाई, दुबई में तो खैर इससे भी ऊंची ऊंची बिल्डिंग आपको मिल जाएगी। ये वॉच माइन देखिए,
और ये जब बिल्डिंग की सफाई करनी होती है ना, ये देखिए किरान है, इसके ऊपर बैठते हैं और ये पूरा कांच जो है ऊपर साफ करते हुए चले जाते हैं। अब देखिए हम, देखिए अब आ गए हम सारा शेख हमीद बिन राशिद, समझ गए। और ये फंदुक है, ये अजमान का बहुत ही फेमस और बड़ा फंदुक है, फंदुक बही कसर अजमान, देख रहे ना, बही अजमान पैलेस होटल, जो कि बहुत ही बड़ा है, काफ़ी खूबसूरत है माशाल्लाह। मेरे भाई अंदर का एरिया देख लिए, अभी हम फिर से मेन रोड पे आ गए हैं और सीधे चल रहे हैं आप लोगों को अजमान की बीच पर, जो कि काफ़ी फेमस काफ़ी मशहूर ये बीच है। तो चलिए आप लोगों को बीच भी दिखाते हैं आज यहाँ की अजमान की। और एक चीज़ है कि यहाँ पर गर्मी जो है ना बहुत ज़्यादा है, और हम लोग तो अपनी गाड़ी से आए थे, गाड़ी यहाँ पर मैदान में हमने पार्क किया हुआ है, अगर जो यहाँ पर हम पार्क करते तो पे पार्किंग है, तो खाली जगह मिल गई, वहाँ पर हम लोग गाड़ी अपनी पार्क कर दिए। वहाँ से तकरीबन मुश्किल से आधा किलोमीटर की दूरी पे ये बीच और ये होटल जो आप देख रहे हैं, ये पैलेस यहाँ पर है और यहीं पर बीच है, और काफ़ी यानी ये बीच का किनारा है और यहाँ पर काफ़ी अच्छे अच्छे खूबसूरत होटल हैं। ये देख लीजिए, ये ओपन रेस्टोरेंट है जो कि काफ़ी खूबसूरत है, कैफे है। तो रोड हम क्रॉस कर चुके हैं और ये पैलेस जो है ना, पैलेस की खासियत ये है कि आप कहीं से भी चारों तरफ से देखेंगे ना, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, हर तरफ से इसकी डिजाइनिंग दी गई है। आ जाओ, तो अब हम और यहीं पैलेस के पास में ही देखिए एक बहुत ही खूबसूरत सी मस्जिद है, और यहाँ पर ये छोटी छोटी दुकानें हैं, कैफे है, यही सब है। और यहाँ पर देखिए करेक्ट आए 4 दिनार में यहाँ पर आप बैठ करके चाय पी सकते हैं। और ये बीच यहाँ पर है, बीच का नज़ारा, यानी ये बीच का हिस्सा है, स्टार्ट है बीच का, और यहाँ की ये बिल्डिंगें जो कि काफ़ी खूबसूरत माशाल्लाह सुभान अल्लाह, वाकई में मज़ा आ गया यार यहाँ पे घूमने में, बहुत ही खूबसूरत एक बिल्डिंग है यहाँ पर है। और जैसे रोड आपको क्रॉस करना है तो यहाँ पर देखिए स्विच लगी है, स्विच दबाएंगे तो ये जो सिग्नल है सिग्नल बंद हो जाएगा, अभी देखिए हमारा चालू हो गया, अब हम क्रॉस कर सकते हैं। ये अजमान की हमरिया बीच है मेरे दोस्तों, जो कि पानी काफ़ी साफ है, और यहाँ पर देखिए बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं और कुछ बिल्डिंगों का काम यहाँ पर चल रहा है, जो कि काफ़ी खूबसूरत व्यू है, पूरा रेत है। और इस बीच पर देखिए ये जो शिप होती है ना, शिप देखिए कलर में है, ये देख रहे हैं, ये शिप भी यहाँ पर एक से एक क्वालिटी की है यार। ये भी देखिए शंख है, छोटा वाला शंख, देखिए सब बह बह के यहाँ पर आते हैं, इसीलिए मेरे भाई दुबई में पहले मोती का कारोबार यहाँ पर होता था ना दुबई में, अभी तो फिलहाल टूरिज्म जगह ये बन चुकी है, काफी तरीके की यहाँ पर ये पूरी सीप है, कुछ भी नहीं है, पानी यहाँ पर है, ये पूरा पानी बह करके आता है ना, तो उसके साथ में देखिए पानी कितनी फोर्स में आ रहा है, ये देखिए फोर्स में आ रहा है ना, और काफी ऊंचान पे है, अभी देखिए मैं ये अंदाजा लगा लीजिए कितनी ऊंचाई पे बैठा हूँ, फिर भी पानी का फोर्स इतना तेज है ना पूरा यहाँ तक आ रहा है, और काफी तरीके की यहाँ पर सीप आपको मिल जाएगी। बीच का हिस्सा है और कुछ हिस्सा उधर भी है,
और उधर देखिए ये जितने भी है ना, ये आप देख रहे होंगे, ये देखिए ये पूरा कंटेनर यहाँ पर लगा है। और वो देखिए पानी वाला जहाज वहाँ पे काफी बड़ा है, तो कंटेनर सब आया है, तो वहाँ पर खाली हो रहा है। एक हिसाब से ये बंदरगाह भी इसे बोल सकते हैं। अजमान में कोई खास बीच नहीं है, मेन बीच का जो व्यू है ना वो तो दुबई बीच पे है। तो ये देखिए काफी खूबसूरत व्यू, उधर पूरा कंटेनर लगे हुए हैं पानी का, जहाज भी देखिए वहां पर लगा है और कुछ कंटेनर वहां पे उतर रहे हैं। और यहाँ पर हमारे बंधु भाई हैं, मछली भी इधर मार रहे हैं, तो देखते हैं मछली कुछ पकड़े या बस ऐसे ही कटिया डाल रहे हैं। सलाम वालेकुम। और भाई क्या हाल चाल है, मछली फंसी कि नहीं? अरे वाह, ये तो झींगा है। अच्छा, झींगा लगा के फंसा रहे हैं। दिखाओ मछली को। ये देखिए भाई ने एक मछली फंसाया है यहाँ पे। ये तो कौन सी मछली है भाई? ये टेंगना? हाँ, समुद्री रोहू। अच्छा, रोहू का बच्चा है। अरे यार, रोहू। और इधर भी माशाल्लाह काफी। बिना बिना मछली के बांग्लादेश का आदमी नहीं रह पाएगा। बांग्लादेश से हो मेरे भाई? माशाल्लाह। ये बा भाई भाई। तो यहाँ पर ये भाई लोग देखिए मच्छी भी मार रहे हैं। मेरे ख्याल से 1-2 किलो तक फंस चुकी है मच्छी बांग्लादेश की। देख रहे हैं जब यहाँ पर ये हमारे भाई देखिए समुद्र में मच्छी मार रहे हैं, जो कि मजे की मच्छी तकरीबन 1 से 1.5 किलो तक फंसा चुके हैं। काफी खूबसूरत व्यू है यार, माशाल्लाह एंजॉय कर रहे हैं ये लोग। ड्यूटी पे है, छुट्टी होती है तो यहाँ पर ऐसे ही आते हैं, मछलियाँ मारते हैं। जैसे हम लोग भी जब छुट्टी होती है तो जिद्दा बीच पे जाते हैं, वहाँ पर हम लोग भी मछली मारते हैं, घूमते हैं। वैसे यहाँ पर भी है, लेकिन बस यहाँ का बीच थोड़ा ओपन टाइप में है। यहाँ पे मतलब औरतें और जेंट्स सब लोग साथ में नहाते हैं, कोई जो है कि रोक टोक नहीं है। लेकिन ये चीज़ सऊदी अरबिया में नहीं है। ये अजमान बीच जो है ना मेरे दोस्तों, यहाँ पर ज़्यादातर जो यहाँ पे काम करने वाले वर्कर होते हैं या फिर जो फैमिली से होते हैं, ज़्यादातर वही लोग आते हैं। और यहाँ पे रश संडे के दिन होता है, बाकी असली मज़ा बीच का तो दुबई में है। तो यहाँ का दिखाते हैं कुछ और व्यू, जैसे जैसे हो सकता है रात हो तो कुछ लोग और यहाँ पर धीरे धीरे आए। और आप जब हमरिया बीच पे आएंगे तो यहीं बीच के पास में ही हदीका हैवानात है, यानी जू है, जिसे अरबी में हदीका हैवानात बोलते हैं। और इसका नाम है हदीका अल इमारात अल हैवानात। तो ये देखिए, और इस साइड में ये जो सामने उधर दिख रहा है ना झाड़ के उस साइड में, उधर पूरा हमरिया बीच है। और ये इसका गेट है, तो मैं अंदर जाकर क्या करूँगा, जानवर देख करके, ये सब बच्चों के देखने की चीज़ है। तो यहाँ पर आने वाले आते हैं। और यहाँ पे देखिए ये सब जानवर का लोगो बना हुआ है, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है। बहरहाल मेरे भाई, वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। उसके बाद चलिए फिर इंशाल्लाह किसी और वीडियो मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना।